दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन रेल पर। तो आज हम बात कर रहे हैं महामना एक्सप्रेस के बारे में। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको एंड में दूंगा, तो पूरा देखिए इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली वाराणसी महामना एक्सप्रेस के बारे में। इस ट्रेन का नंबर है 22418। ये ट्रेन 22 जनवरी 2016 को सर्विस में आई थी। उसके फर्स्ट एसी और सेकंड एसी और स्लीपर के कोचेज है, थर्ड एसी का कोच नहीं है। फर्स्ट एसी की कोचेज का किराया है करीब स्लीपर के कोचेज का किराया है करीब 425 रुपये। नई दिल्ली से वाराणसी तक का मैं आपको किराया बताऊंगा, जो भी बताऊंगा। सेकंड एसी के कोचेज का किराया है करीब 1600 रुपये। और इसके अलावा फर्स्ट एसी के कोचेज का किराया है इस महामना एक्सप्रेस का नई दिल्ली से वाराणसी तक का 2705 रुपये। ये जो आप कोचेज देख रहे हैं, ये इसमें असल में ऐसे ही कोचेज लगते हैं। जब ये गाड़ी 13 घंटे 50 मिनट में अपनी जर्नी पूरी करती है नई दिल्ली से। इसके चलने का समय करीब 6:35 पे हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को ये चलती है गाज़ियाबाद जंक्शन। ये 7:20 पे पहुँचती है, 7:22 पे गाज़ियाबाद जंक्शन से चल पड़ती है। इस टाइम पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये मुरादाबाद जंक्शन पहुँचती है। मुरादाबाद जंक्शन ये ट्रेन 9:40 पे पहुँचती है रात में, और 9:47 पर वहाँ से चल पड़ती है। इस टाइम पर 7 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये बरेली जंक्शन पहुँचती है। बरेली जंक्शन 11:08 पे रात को 11:10 पे वहाँ से चल पड़ती है, 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये लखनऊ चार बाग में पहुँचती है 3:05 पे, और 3:15 बजे वहाँ से चल पड़ती है। इस कैम पर 10 मिनट का स्टॉप है, और यहाँ तक 490 किलोमीटर कवर कर लेती है नई दिल्ली से निहालगढ़ पे। इसके पहुँचने का समय 4:31 पे, और 4:33 पे वहाँ से चल पड़ती है। इस कैम पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये सुल्तानपुर जंक्शन पहुँचती है 5:16 पे, और 5:18 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये अपने सेकंड लास्ट स्टेशन जौनपुर सिटी पहुँचती है 6:32 पे, और 6:34 पे वहाँ से चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये वाराणसी जंक्शन पहुँचती है 8:25 पे, और वहाँ पर जाकर अपनी 775 किलोमीटर की डिस्टेंस 56 किलोमीटर एवरेज स्पीड के साथ ख़त्म कर देती है। इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होती है। तो दोस्तों, वो न्यूज़ ऐसी है कि अपकमिंग सैटरडे यानी कि 13 जून 2020 को मैं एक लाइव सेशन करूँगा। आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा इसी चैनल पर, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट कर दीजिए कैसे ले गए आपको ये वीडियो, और शेयर करिए प्लीज़।